सपना चौधरी की सास ससुर ने बताया कि मेरे बेटे सूरज के रहते हुए भी राजवीर मेरे छोटे बेटे को सपना ने फंसाया। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सपना चौधरी की सास ससुर कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ स्टाइल सुष्मिता रॉयल। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि सपना चौधरी का उनके सास ससुर के साथ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है। और सपना चौधरी ने एक वीडियोस अपलोड की थी एक दिन कि मेरे सूरज जो पहले पति थे वो मुझे मारते पीटते थे, उनका रिकॉर्डिंग भी वो शेयर की है। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि सपना चौधरी कौन है। तो आप लोग ये जो स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, दो फोटो दिख रहा होगा, एक सपना चौधरी के साथ उनके पहले हस्बैंड हैं सूरज चौधरी, और दूसरा है जो उनके दूसरे हस्बैंड हैं सपना चौधरी के साथ जो है राजवीर चौधरी। तो इन दोनों का फोटो यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं बता दूँ, जो सपना चौधरी थी उनका फर्स्ट शादी हुआ था सूरज चौधरी के साथ, और सेकेंड शादी हुआ था राजवीर चौधरी के साथ। तो सूरज जी के, मतलब सूरज जो थे उनके फर्स्ट हस्बैंड, तो उनका कोविड के साथ उनकी डेथ हो चुकी थी। जब कोविड आया था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका डेथ हो चुका था, तो उनमें से एक ये भी थे। तो उनकी शादी उनके सास ससुर ने उनके छोटे बेटे से राजवीर चौधरी से करा दी। तो उनके दूसरे हस्बैंड राजवीर चौधरी हुए हैं, और ये भी इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। ये भी मतलब एक्सीडेंट से इनका भी डेथ हो चुका है। तो ये सपना चौधरी के साथ बहुत बुरा हुआ, भगवान ना करे कि ऐसा किसी को किसी के साथ हो जैसा उनके साथ हुआ। तो जो भी हुआ, और अब देख रहे होंगे कि उनके मतलब एक दिन कुछ दिन पहले सपना चौधरी ने बताए कि मैं सूरज चौधरी जो थे बहुत मारते पीटते थे हमको, तो उनका रिकॉर्डिंग भी वो बताई हैं। तो वो अब जो बताई हैं तो इसके अकॉर्डिंग इसी पे उनके सास ससुर ने मतलब बोले हैं, इन्हीं के मतलब ये बोले जब कि हाँ, मेरे सूरज जो पहले पति थे वो उनके मम्मी पापा के कहने पे बहुत हमको मारते पीटते थे, और रिकॉर्डिंग भी उन्होंने सुनाया है जो कि क्लियर है, उसमें सुनाई दे रहा है कि हाँ वो मार रहे हैं, और सपना माफ़ी भी मांग रही है कि मत मारो मुझे, मैं गलती नहीं करूँगी। जबकि इनकी गलती भी नहीं थी, फिर भी जब कोई इंसान आपको सताता है तो वहाँ पे आपको माफ़ी मांगना पड़ जाता है, मजबूरी होती है ये। तो ये इसी इसी वीडियो पे रिएक्शन देते हुए सपना चौधरी की सास ससुर ने क्या कहा है कि सपना बहुत बदचलन लड़की थी, मेरे सूरज जो बड़े बेटा था उसके रहते हुए भी, मतलब राजवीर जो छोटे बेटे हैं जो छोटा बेटा था उसको उन्होंने फंसाया, वो उन्होंने अपने जाल में फंसाया, और उससे फिर मतलब उनकी डेथ हो गई। तो शादी शादी करने के इरादा से ही थी, मतलब उनके सास ससुर ऐसा बोल रहे हैं। और एक वीडियो से और अपलोड की है सपना चौधरी, जिसमें वो अपना हक के लिए मांग रही है, मतलब वो अपना हक मांग रही है कि कहीं का ज़मीन है तो वो मांग रही है कि मेरा भी पैसा लगा हुआ है तो दे दीजिए, या तो मेरा पैसा दे दीजिए या फिर ज़मीन दे दीजिए। तो उनके ससुर जी बोले कि नहीं, हम पैसा दे देंगे बेटा आपको, हम ज़मीन नहीं दे पाएंगे। तो ये गलत है, उनको देना चाहिए ज़मीन, क्योंकि इनके पास दोनों पति से एक एक बेटियाँ हैं, तो ये कहाँ जाएंगी क्या करेंगी। तो वो बोले नहीं देंगे। और उनके सास ससुर ने ये भी दावा किया है कि ये हमसे जायदाद जमीन मांग कर और तीसरी शादी करने के फराद में है। बट ये क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है, ये तो उनके घर का कंट्रोवर्सी है, ये तो उन्हीं को पता होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि सपना अगर गलत होगी तब वो केस कर चुकी होगी, मतलब अगर सपना गलत रहती तो वो केस कर चुकी होती अपने सास ससुर पे, क्योंकि उनके दोनों हस्बैंड पे इनका भी हक है। वो अपने अगर कानूनी तरीके से उनका हक लेना चाहे सपना चौधरी, तो वो ले सकती है। तो वो ऐसा नहीं की, बोली कि जो यूट्यूब से मेरा जो कमाया हुआ जो पैसा है बस वही दे दीजिए, और जो मेरा यूट्यूब का जो अपना मेरा अपना किना हुआ चीज़ें वो मैं लेकर जाऊंगी। तो आप लोग बताइए, क्या उनके सास ससुर से ही है या फिर सपना चौधरी से ही है।
और फिलहाल सपना चौधरी एक रेंट पे घर ली है और उसमें रहने के लिए गई है। दोनों बेटियां का पालन पोषण कर रही है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि सपना चौधरी गलत है या फिर उनके सास ससुर गलत हैं। क्या ये सच में तीसरी शादी करने के फैराद में उनसे जायदाद मांग रही थी? तो आप लोग जरूर बताइएगा।